दरवाजे पर फेंकी गई थी मौत की टॉफी। टॉफी खाने से चार बच्चों की मौत से दहल उठा कुशीनगर। दादी के हाथों से छीन मासूमों ने खाई थी टॉफी। पीड़ितों की निशानदेही पर गांव के तीन लोग गिरफ्त में। खबर कुशीनगर जिले के कसिया थाना के अंतर्गत कुड़वा दिलीप नगर के सिसई टोला से है, जहां सुबह सुबह चार बच्चों की टॉफी खाने से मौत हुई है। मिली जानकारी के अनुसार बच्चे सोकर उठे और घर के बाहर निकले तो उन्हें दरवाजे पर जहरीली टॉफियां मिली थी। टॉफियों के साथ साथ एक के सिक्के भी फेंके गए थे। टॉफियों को खाते ही बच्चे अचेत हो गए। परिवारजन चारों बच्चों को लेकर नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसिया ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने बच्चों की हालत गंभीर देखकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। जिला अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने बच्चों का जांच करने के बाद मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल पर पहुंचे आला अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया। घटनास्थल पर पहुंचे एडीजी अखिल कुमार ने बताया कि ये घटना पहली नज़र में पुरानी रंजिश का लग रहा है, क्योंकि दो साल पहले ऐसे ही घटना इसी परिवार के अंतर्गत घट चुकी है। इस क्रम में उन्होंने बताया है कि मौके पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया जा रहा है और अभी इस घटना में जो भी व्यक्ति शामिल है पुलिस उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश करेगी और उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करेगी। दिख रहा भैया ना? हाँ सही है, देख लीजिएगा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। अरे इसी आवाज़ से, ठीक है, भास्कर से आवाज़ लेना। हाँ रोड सर, ये जो घटना हुई है क्या अभी निकल के आया है और किस तरह? देखिए, जो आज सुबह रसगुल्ला जी हैं, इनके घर पे इनकी माता जी झाड़ू लगा रही थी और वहाँ पे पॉलीथीन में कुछ टॉफियाँ और कुछ सिक्के मिले हैं और उसको देख के उन्होंने फिर घर में पूछा है कि किसका है। ये पूछ ही रही थी कि तब तक बच्चे आ गए हैं, सुबह का समय था। उन्होंने टॉफियां देख के टॉफियां उनसे मांगी हैं और टॉफियां ले लिया है और बच्चों ने टॉफियां खाई और थोड़ी देर में जिससे उनकी तबीयत ख़राब हुई है और बताया चार बच्चे आपको जानकारी में है ही जिनकी ये दर्दनाक मृत्यु हुई है इस प्रकरण में। जो अभी तक के मौके में से देखने से लग रहा है कि ये क्योंकि आराम से एक्सेस किया जाता है जहाँ पर ये पॉलीथीन मिला है, किसी के द्वारा ये फेंकी गई है और परिजनों से बात किया है। उन्होंने कुछ लोगों पे अपना बताया है कि ये लोग इस घटना में कारित कर सकते हैं। अभी FIR लिखी नहीं गई, FIR उनसे मांगी गई, FIR मिलते ही FIR भी दर्ज कर ली जाएगी और घटना पे मुकदमा दर्ज करके जो भी लोग इस घटना के पीछे हैं उसका पता लगा के उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। फॉरेंसिक टीम हमारी आ गई है, उन्होंने सैंपल्स भी उठा लिए हैं, डॉग स्क्वाड को भी लगाया गया है। डॉग स्क्वाड के भी जो जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा को भी अपनी विवेचना में हम रखेंगे। वादी ने यह भी बताया है कि दो साल पहले उनके ही परिजन में सिमिलर टाइप की घटना हुई थी उनकी बहन में के घर में, उसको भी हम छानबीन में रखेंगे। अलग से इस पूरे प्रकरण में जाँच के आदेश किए जाएंगे वरिष्ठ स्तर पर और पुरानी घटना को भी गहराई से छानबीन की जाएगी। उसमें भी चार बच्चों की मृत्यु की बात बताई गई है तो उस प्रकरण में क्या हुआ, क्या कार्रवाई की गई, नहीं की गई है, क्यों नहीं की गई है, वो भी छानबीन का कारण का बनेगा। परंतु आज जो घटना है उसमें हम लोग सब मौके पर दिए हैं, वो स्पष्ट है कि घटना में कुछ ना कोई मिश्चिफ का प्रबल आशंका है, क्योंकि टॉफियाँ कितनी भी पुरानी हो वो इतना जहरीली नहीं हो सकती हैं, तो कोई ना कोई मिसचीफ लग रही है प्रथम दृष्टया, इसलिए FIR दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और जांच में समस्त चीज़ों को समय रहते हुए लिया जाएगा। और सर इसमें जैसे कि क्या जमीनी विवाद या फिर आपसी पुरानी रंजिश, क्या संबंध डायग्नोस हुआ है? देखिए, कुछ लोगों से इनकी रंजिश चल रही थी, कुछ साल पहले यहाँ पर इनके मड़ई में आग लगी थी, उस पर लेके भी मुकदमा चल रहा है जिन पर इनको प्रबल आशंका है। दो दिन पहले उन लोगों ने इनको धमकाया भी था, तो इन सारे बिंदुओं को, रंजिशों को सभी प्रथम दृष्टा जो भी पता लगा, दीज आर इनिशियल जो बातें पता लगी हैं, बट जैसे जैसे टफिया रहा तो का जन के दुआर पर फेंक दिया गई, तो हमारे चाचा के धमकी दे ले रहा वे आदमी हो सके तो वह फेंकले वालों, तो हम सोच के उठनी तो हमारे दादी पैली है वो टफिया पैसो रहा उनमें सिक्का, तो उठा के ध दे लैकन के दे दिलो, दे दिलो तो लैका बाँट के खा गलो, चारों लैक खा गई लो, तो हमारे चाचा के लैक दू गो जा के हो जा गिर गई बालो, तो उठा के एने से आता लेकर एक जुरंत मोटरसाइकिल से भागत तलो तले तू लैका आई जा, हमारे एगो बाबू के रहा एगो चाचा के लैक नहीं रहा। बच्चे का नाम रहा अरुष। कितना लैके आपके बाटे? और एक एक हमारे लैक का उम्र 4 साल।
आप का चाहत हैं, ये नाम में कितर जांच होकर का चाहत हैं? जांच आपके नाम खुशबू पाए हैं, क्या आप सुनने में आ रहा है किस तरह की जांच होगी? देखिए, यह तो जांच का विषय है और ये जघन्य घटना है। एक बार पूर्व में भी ये घटना घटी थी, आपसे विवाद है इन लोगों का, और विवाद में छोटे बच्चों को, औरतों को निशाना बनाया जाए, ये बिल्कुल गलत है। इंस्पेक्टर आए हैं, प्रशासन आया है, और जो भी कार्यवाही